हाँ, सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और रही बात स्मार्टनेस की बात आप कर रहे हैं, तो ये तो हमारे परिवार और हमारे माता पिता की देन है, और बाकी सब दर्शकों का आशीर्वाद है। जय भी कौन कौन सिनेमा अभी होता है? सिनेमा की बात करी तो 4-5 गोवा है, जोने में अमानत, गुंडों की आएगी बारात, सुंदरी, दिल मिल गए, बाबुल की गलियां, और उसके पहले मेरे रंग में रंगने वाली और साथ छूटे ना साथिया। पिछले दिनों आपकी फिल्म नैहर की चुनरी रिलीज हुई थी, दर्शकों का बहुत प्यार मिला। आप लीक से हटके फिल्में करते हैं, ऐसा क्यों? जी, एक एक्टर को लीक से हटके करना चाहिए, उसको डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करना चाहिए, तभी तो वो अपने स्किल को दर्शकों के सामने लेके आ पाएगा और तभी दर्शकों का प्यार उसको मिल पाएगा। अभी आपने जिक्र किया दिल मिल गया, जी जय जी का दिल किससे मिला है? जी, अगर फिल्म में देखा जाए तो उसमें एक कृतिका शर्मा जी हैं और एक निहारिका पवार है मेरे अपोजिट, तो इस फिल्म में वो दो हीरोइन हैं, तो उनके उन्हीं के साथ दिल मिलेगा। रियल लाइफ में किससे मिला है? रियल लाइफ में तो दिल की बात करेंगे तो ये पर्सनल मैटर है, सो पब्लिक के सामने क्या बताएं। एक कलाकार जो होता है वो पर्सनल मैटर क्या होता है, वो तो सबके लिए होता है, दिल की बात रखने के लिए जो दिल में होता है वही सिनेमा में लाता है। अगर कोई डर है तो मत बताएं, तो दिल का नहीं, डर कोई नहीं है तो अभी वैसा कुछ है नहीं, है ना, कि किसी के साथ दिल मिला हो। अगर दिल मिलेगा तो बट ऑब्वियस है कि अपने दर्शक के सामने हम जरूर रखेंगे। अच्छा, आज यूपी में चुनाव हो रहा, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी जी आजमगढ़ से आपका नॉन का पर्चा भरे है, क्या कहना चाहेंगे उनसे? जी, दिनेश जी के बारे में कहना चाहूँगा कि वो बहुत ही एक अच्छे इंसान है, दिल से बहुत अच्छे हैं। वो जिस तरह से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए उन्होंने काम किया हुआ है, वो हमारी जनता के लिए भी काम करेंगे। तो मैं आजमगढ़ की सारी जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दिनेश जी को ही वोट करें, और अगर आप वहाँ पे विकास चाहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें चाहते हैं, तो दिनेश जी उसके लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं, तो दिनेश जी को ही वोट करें आप। आप जयंत यादव, वो दिनेश लाल यादव, तीसरा प्रत्याशी रमाकांत यादव, ये यादव जी लोग का झगड़ा करने का चक्कर तो नहीं है ना बीजेपी सरकार के? नहीं, देखिए हम तो बोलेंगे कि जातिवाद और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के देखना चाहिए, और बीजेपी या मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो। मैं सपोर्ट करता हूँ कि आपके एरिया में कौन से कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट अच्छा हो आपके आपके विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में, आपके लिए काम करे, जनता के लिए काम करे, करप्टेड ना हो, वैसे ही प्रत्याशी को आप लोग अपना वोट दें और उनको जिताएं। कहीं ऐसा तो नहीं आप एक कलाकार है, कलाकार होने का कलाकार को सपोर्ट कर रहे हैं? जी देखिए, कलाकार होने के नाते कलाकार को सपोर्ट करना वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि दिनेश जी एक बहुत अच्छे इंसान है। कलाकार के अलावा वो एक ऐसे इंसान है जो लोगों के बारे में सोचते हैं। हमारे इंडस्ट्री में भी जो उनकी एक छवि है, वो छवि ये है कि वो आगे बढ़ के सब लोगों का सपोर्ट करते हैं, चाहे वो छोटा कलाकार हो, बड़ा कलाकार हो या कोई भी हो। तो अगर वो हमारे इंडस्ट्री में करते हैं तो वो वहाँ पर भी वैसा ही काम करेंगे। तो क्योंकि दिनेश जी को पर्सनली बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं भी CCL खेलता हूँ, तो उनके साथ तकरीबन 6-7 साल मैंने कंटिन्यू CCL खेला हुआ है, उनको बहुत नज़दीक से जानता हूँ, हम लोग महीनों महीनों भर साथ में रहे हुए हैं, तो उनके नेचर को जानता हूँ, तो इसलिए मैं दिनेश जी के बारे में खुल के बोल सकता हूँ कि वो दिल से बहुत अच्छे हैं, लोगों के लिए सोचते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो वो जो जनता जो ज़मीन से जुड़ी हुई गरीब परिवार लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, उनके दुख को अच्छी तरह से समझेंगे और उनके लिए काम करेंगे। जय जी को जो मुकाम चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री में मिल चुके हैं या अभी बाकी है? देखिए, मकाम तो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, जिस दिन मेरी चाह यह ख़त्म हो जाएगी उस दिन मेरी एक्टिंग करने की जो सोच है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अभी तो मेरी शुरुआत है और दर्शकों का प्यार मिलना शुरू हुआ है, अगर इसी तरह से दर्शकों का प्यार मिलता रहा तो जो मैं सोच रहा हूँ उस लेवल तक ज़रूर पहुँचूंगा। चलिए जय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं अपने दर्शकों से हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूँगा, और मैं बार बार कहता हूँ और इस बार भी कहना चाहूँगा कि हमारे इंडस्ट्री में एक नया दौर आ चुका है, अच्छी फिल्में बन रही हैं, और उन सभी अच्छी फिल्मों को आप देखें, चाहे वो मेरी फिल्म हो, चाहे किसी स्टार की फिल्म हो या किसकी भी फिल्म हो, आप अच्छी फिल्म है तो उसको देखिए, सराहिए और उसके बारे में कमेंट्स भी कीजिए, और अगर अच्छी फिल्म नहीं है तो उसे नकार दीजिए और उसके बारे में कमेंट्स कीजिए कि अच्छी फिल्म नहीं है, इसमें ये चीज़ नहीं होना चाहिए,
तभी और ग्रोथ होगा। और फिल्मों को ना सिर्फ यूट्यूब पे देखें, फिल्मों को सिनेमा हॉल में जाके देखें, और जिस तरह से साउथ की फिल्में या बॉलीवुड की फिल्मों को आप प्यार देते हैं, उसी तरह से भोजपुरी फिल्मों को भी प्यार दें, तो एक से बढ़कर एक फिल्में बनेंगी।